तो ब्लू बीटल का ट्रेलर देखा और भाई साहब क्या ट्रेलर था यार, मजा आ गई। मेरे कितने जानने वाले तो भाई हैरान हो गए थे कि ये डीसी की पिक्चर है, क्योंकि इसके बारे में ज्यादा लोगों को ना जानते हुए भी ये बहुत ही मस्त फीलिंग दे रहा था। एंड ओनली फॉर द सेक ऑफ फेमिलियरिटी, इसकी टोन को तुम स्पाइडरमैन से रेजोनेट कर सकते हो एंड इसकी पावर्स को तुम आयरन मैन प्लस वेनम से रेजोनेट कर सकते हो। एंड जिन लोगों को अभी भी ब्लू बीटल के कैरेक्टर के बारे में नहीं पता, तो बता दो कि भाई अपना ब्लू बीटल, ये जो कैरेक्टर हमें इसमें देखने को मिला है वो है हाइमी रेज, जो कि अज्यूम किया जाता है कि अपना तीसरा ब्लू बीटल है, विच मीन्स कि इससे पहले दो लोगों ने और ब्लू बीटल का मेंटल उठाया हुआ है। एंड जहां बात रही हाइमी की कहानी की, तो उसका स्कैरब एलपासो टेक्सास में उसे मिलता है, जहां हाइमी एक बिलो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, विच मीन्स पैसे तो है नहीं, बाप एक गैराज चलाता है जिसके हिंट्स हमें ट्रेलर में देखने को मिल गए हैं, एंड उसकी माँ एक पैरामेडिक जिसके साथ उसकी बहन भी है जो कि बस एक मुसीबत ही रही है। उसके दो बेस्ट फ्रेंड्स हैं ब्रेंडा एंड पाको, जिनमें ब्रेंडा बहुत ही मेहनती है एंड पाको बहुत ही लेजी है, जिनमें हाइमी बीच का बंदा है। अब जो कि भाई वो बड़ा हो रहा है तो वो भी अपनी फैमिली की बिल्स में हेल्प करना चाहता है, मगर उसके बाप अल्बर्टो ऐसा नहीं चाहते क्योंकि भाई अभी उसकी उम्र नहीं हुई है ये सब सारी चीजें झेलने के लिए। मगर उसकी ये सारी चीजें उलट पलट तब हो जाती हैं जब कॉमिक्स में इनफाइनाइट क्राइसिस का इवेंट चालू होता है। अब जो कि भाई इनफाइनाइट क्राइसिस इवेंट के बारे में बहुत ही छोटे में बता दूं, तो एज अ मल्टी डायमेंशनल मल्टीवर्स स्टोरी लाइन होने के नाते ये कहानी ब्लू बीटल की मौत से ही शुरू होती है, क्योंकि कॉमिक्स में वो किसी कॉन्स्पिरेसी को इन्वेस्टिगेट करते के दौरान में उसे मार दिया जाता है। आई मीन मैक्सवेल उसे पहले टॉर्चर करता है फिर मारता है, मगर फिर उसकी डेथ से ही सारी जस्टिस लीग एक हो पाती है, जो कि आगे चल के उनके मल्टीवर्स के थ्रेट के बारे में उन्हें इससे ही पता चलता है। अब जो कि भाई जेम्स गन ने बताया है कि भाई उनका ब्लू बीटल एक मार्वेलस कैरेक्टर है डीसीयू में और अभी किसी से कनेक्टेड नहीं है, तो प्रोबेबली वो उसे आगे डीसीयू में जिंदा रख सकते हैं मारने के लिए। अब देखो भाई, ब्लू बीटल स्कैरब की आइडेंटिटी सीक्रेट ही रही है, मगर इसका असली नाम है खाजीदा एंड कई लोग इसे एलियन टेक भी मानती हैं, एंड जो कि भाई इसका सिम्बायोटिक पैरासिटिक अलाइनमेंट की वजह से, जो कि भाई हायर सिविलाइजेशन की टेक की वजह से पॉसिबल भी है। मगर इसकी नई री इमेजिनिंग स्टोरी लाइन में डॉक्टर फेथ ने इस स्कैरब को मैजिक से भी कनेक्टेड दिखाया है, क्योंकि जब ये पहली बार इजिप्ट में आया था तो इसे मैजिकल पावर्स भी मिली थी। अब जो कि भाई ट्रेलर दिखा जाता है कि जिस संस्था में जेमी काम करता है वहीं उसे ये स्कैरब मिलता है, जो कि उसे उसकी लव इंटरेस्ट देती है जेनी। पिक्चर शुरू होती नहीं है कि लव इंटरेस्ट इनको पहले मिल जाती है, इसे बनेंगे आप रिलेटेबल। अब खैर भाई प्यार ने दिया है तो भाई इसकी हिफाजत तो करनी पड़ेगी, तो वो कैसे गड़बड़ा सकता है इसे, तो इसे अपने घर ले आता है जहां स्कैरब हाइमी को वीक समझ के भाई उसे सिंबियोसिस कर लेता है। अब जो कि भाई हाइमी को ये स्कैरब मिलता है कॉर्ड इंडस्ट्रीज से, जो कि भाई इसमें ये कोई सिग्नल तो नहीं दिया गया कि इसमें टेड कॉर्ड भी होगा, जो कि छोटे में बता दूं ओरिजिनली कॉमिक्स में टेड कॉर्ड अपना सेकंड ब्लू बीटल था, इसके एफिलिएशंस अच्छे के साथ थे, मगर मूवी में हो सकता है कि दिमाग फिर गया हो। मगर खैर मूवी की ऑफिशियल विलन है विक्टोरिया कॉर्ड, जो कि भाई entirely new character है, इसका ब्लू बीटल के second incarnation से कुछ लेना देना होगा। And जो कि इसमें एक और villain mention है, Carapax, also known as the indestructible man। और जो कि भाई नाम से तो तुम जान ही गए होगे कि भाई picture में इसका कितनी इज्जत मिलेगी। And ऊपर से अगर इसकी powers के बारे में जाने, तो भाई venom की तरह scarab का भी अपना एक दिमाग है, मगर किसी AI की तरह कभी कभार जोर जबरदस्ती के decisions भी ले लेता है, जिसकी वजह से हाइमी और scarab के बीच में किसी symbiotic relationship के चलते जद्दोजहद भी चलती रहती है। इसके ऊपर scarab उसे superhuman powers भी देता है, जैसे कि एनर्जी क्रिएट, कॉन्ट्रैक्ट और प्रोजेक्ट करना। उसी के साथ इसे एनहांस स्ट्रेंथ, एजिलिटी, रीजनरेशन, ड्यूरेबिलिटी भी मिलती है, जिनकी हेल्प से वो किसी भी तरीके के वेपन को क्रिएट भी कर सकता है जो भी वो चाहे। काफी कूल होता है वो। अब भाई जो कि ये टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड है, तो ऑलमोस्ट हर एक टेक के साथ टेक्नोपैथी भी कर सकता है। इस पे आगे अगर दिल की बात करूं, तो भाई मुझे ट्रेलर बहुत पसंद आया। इसकी टोन आपका दिल लेके जाती है। इसका विजुअल स्टाइल समवॉट लाइक मिस मार्वल की तरह फील होता है कि जो वो करना चाहते थे एक्चुअली में ब्लू बीटल परफेक्ट करके लोगों का दिल लेके जाता है। इसके डायरेक्टर इंजन मार्वल सोतो की ये तीसरी मूवी है, इसके बाद बंदा ट्रांसफॉर्मर्स बनाने जा रहा है, और ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। इसके जो राइटर है गैरेथ भाई, इस मूवी के बाद आगे सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स के लिए उसकी एल मोरेटो मूवी भी राइट कर रहे हैं। इसके ऊपर इसका जो भाई इन्होंने ट्रेलर में BGM को यूज किया हुआ है, जो म्यूजिक भाई कमाल की फील देता है। काफी दिनों के बाद कोई एक ऐसे सुपर हीरो मूवी के लिए फील हो रहा है कि भाई ये कितनी फ्रेश फीलिंग दे रही है, ओरिजिन आप एंजॉय करते हो। और बात भाई ये मैं मना नहीं करूंगा कि भाई इन्होंने ट्रेलर में बहुत कुछ दिखा दिया, एंड भाई मूवी को रिलीज होने में अभी बहुत टाइम है, फ्लैश के बाद आ रही है, तो मे भी शायद स्पॉइल भी कर देंगे काफी कुछ, मगर भाई इसकी फील जो आ रही है मजा देती है आपको, आप इंजॉय करते हो। जो कि भाई इसमें क्लीशेज भाई पुराने वाले हैं, जो कि ट्रेलर को अगर थोड़ा और घुमा फिरा के देखोगे तो तुम एक्सपेक्ट भी कर सकते हो कि इसके क्लाइमैक्स के स्टेक्स कैसे होने वाले हैं, मगर फिर भी भाई बहुत ही रिफ्रेशिंग फील होता है। क्योंकि भाई बता दूं, सुपर हीरोज का कॉन्सेप्ट को नेल डाउन करना कोई मुश्किल नहीं है। आजकल की मूवीज भूल जाती है वो पर्सनल अटैचमेंट। सुपर हीरोज को हम ऐसे देखते हैं ना, द मैन हु हैज एवरीथिंग, मगर इतना सब कुछ होने के बाद भी उसकी तकलीफें हमारी तरह होती हैं कि काश मेरा परिवार मुझे समझ पाता, काश मेरी थोड़ी सी जिम्मेदारियां कम हो पाती, काश वो मेरे प्यार को समझ पाती।
अब खैर भाई वहां पे अपन पर्सनल होते नहीं है, मगर ब्लू बीटल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट उसकी फैमिली है कि भाई अगर उसकी वजह से उसका घर उड़ जाए, उसके अपनों को गिरफ्तार कर लिया जाए, तो कोई भी बच्चा क्या सोचेगा अपने लिए। एंड ऊपर से भाई तुम टीनेजर्स को जानते ही हो, जवानी के जोश से डबा डब भरे होते हैं, तो स्पाइडरमैन की तरह भाई कुछ अच्छे डिसीजंस होंगे, कुछ बुरे डिसीजंस होंगे, मगर इन दी एंड मजा आनी चाहिए। और इसे देख के मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि भाई ये मजा देगा। इसके ऊपर से भाई मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि इसके सूट में इसकी आईज स्पाइडरमैन की तरह एक्सप्रेसिव है, जो कि बेटर इमोशंस देने में काफी अच्छी हेल्प करती है। बट ओवरऑल मैं इस ट्रेन में चढ़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूं। तुम बताओ क्या तुम इसे मौका देना चाहोगे? इन्हीं सारी बातों के साथ साथ तुम ब्लू बीटल ट्रेलर और उसकी मूवी के बारे में एक्सपेक्टेशंस अपने कमेंट जरूर बताना कि तुम इसको लेकर क्या फील करते हो। और उसके ऊपर से भी अगर तुम्हें भोला सिनेमैटिक यूनिवर्स के बारे में भी जानना है, जो कि भाई एक इंडियन मूवी है जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, तुम सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। एंड तब तक के लिए देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।